हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमें विंटर्स में सबसे ज़्यादा हमारे बालों में किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, सबसे ज़्यादा हमें जो है वो डैंड्रफ का इशू होता है, स्पेशली इन दिस विंटर सीजन। इसके दो रीज़न होते हैं, एक तो हम अपने बालों को ज़्यादा वॉश नहीं करते हैं ठंड के कारण, इस वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं। दूसरा, आपके बाल अनहेल्दी होते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ इश्यूज़ हो जाते हैं। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आपको हेयर फॉल भी होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो आपके बालों को अनहेल्दी कर देता है। गाइस, डैंड्रफ को रूसी भी कहते हैं और ये वाइट कलर का दिखता है, और यू नो कई बार तो बहुत लंबे समय तक आपके स्कैल्प में रहने की वजह से ये यू नो एक परत जम जाती है और रेडनेस भी आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, फ्लैकीनेस होती है, और यू नो जब भी आप खुजली करते हैं आपके कपड़ों पर, आपके यू नो बॉडी पार्ट्स पर जो वाइट वाइट छोटे छोटे से यू नो डैंड्रफ जो है वो गिर जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कई बार इसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट का भी शिकार होना पड़ता है, और डैंड्रफ की वजह से आपके स्कैल्प जो है वो क्लीन नहीं रहते हैं और फिर आपको हेयर फॉल का इश्यूज़ हो जाता है। सो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे DIYs हैं, लेकिन स्पेशली इन विंटर सीजन हमें ये यू नो होममेड DIY चीज़ें अब बनाने का मन ही नहीं करता है और ना ही अप्लाई करने का मन करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी ज़्यादा ठंड में कोई भी इन चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट नहीं फील होता है। सो विंटर सीजन में मोस्टली इस टाइम मुझे पे नहीं है कोई डैंड्रफ, लेकिन हाँ पहले मुझे भी विंटर सीजन में जो है वो डैंड्रफ इशूज़ हो जाते थे। वही रीज़न है कि आप बालों को ज़्यादा वॉश नहीं करते, क्योंकि गर्मियों में हम हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को वॉश कर लेते हैं, बट लेकिन विंटर सीजन में हम अपने बालों को सिर्फ एक ही बार वॉश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ जैसी समस्या आ जाती है और वो हमारे बालों को अनहेल्दी कर देता है, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ इशू हो जाते हैं और हमारे हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। तो चेक कर लीजिए कहीं डैंड्रफ की वजह से तो आपको हेयर फॉल का इशू नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए एक शैम्पू लेकर के आई हूँ जो आपके बालों से डैंड्रफ को हटाने में वन वॉश में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये केमिकल फ्री है, ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ किए गए होंगे। रेजेंट की मैं बात करूँ तो इसमें मेंशन है कि कंटेंट्स 2% केटोकोनजेल, विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डैंड्रफ। सो डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए ड्रग है जो कि इसमें मिलाया गया है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये केमिकल ही होगा, और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। प्राइस की मैं बात करूँ तो 216 रुपीज़ इसका प्राइस है, और ये इसकी शेल्फ लाइफ 1 ईयर है। सो गाइस, ये जनवरी 2020 का मैन्युफैक्चर्ड है और 2021 में ये एक्सपायर हो जाएगा, दिसंबर 2021 में। सो आपको 1 से 2 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो मिल जाती है। आई गेस 1 ईयर, 1 ईयर में आपको ख़त्म कर देना चाहिए शैम्पू को, और स्पेशली विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग भी होती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है, लिक्विड फॉर्म में है और कंट्रोल्स फ्लेकिंग, स्केलिंग एंड इचिंग। 216 रुपीज़ इसका प्राइस है, और ये यू नो बालों में, स्कैल्प में जो खुजली होती है, फ्लैकीनेस होता है, उन सबको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है 2% इसमें जो है वो ड्रग मिलाया गया है जो कि आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो अगर आपके हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, तो आपको ये वाला शैम्पू एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। वैसे तो मैंने इसको ऑफलाइन परचेज़ किया है, मैं ट्राई करूँगी सर्च करने की, अगर मुझे अमेजोन या कहीं पर मुझे लिंक मिल जाता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़े से पानी में डाइल्यूट करना है इसको, बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा, और अपने पूरे स्कैल्प में इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको आपको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट तक छोड़ने के बाद फिर आपको प्रॉपरली अपने स्कैल्प पे मसाज करना है, और इसके बाद बालों को पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है। सो गाइस, इसके बाद आपको कोई भी कंडीशनर या हेयर मास्क अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज फ्री और सॉफ्ट फील होते हैं। सो ये आपके बालों को कंडीशनिंग भी करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने डैंड्रफ हटा लिया तो आपके बालों की अगर ग्रोथ रुक गई है डैंड्रफ की वजह से, तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। सो डैंड्रफ होने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, और हेयर फॉल का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, स्पेशली इन विंटर सीजन में हम सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आई थॉट कि एकदम बेस्ट टाइम मैं आपको शैम्पू के बारे में सजेस्ट करूँ। और गाइस, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने पर यू नो आपके कपड़ों पर, आपके यू नो बालों पे, स्कैल्प पे बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आपके बालों को अनहेल्दी तो करता ही है। मार्केट में अवेलेबल कई एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं, लेकिन वो भी इतने इफेक्टिव नहीं है। अगर आपके बालों में लंबे समय से डैंड्रफ है और वो बार बार आ जाता है, बहुत सारी रेमेडी ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता है, सो आपको ये वाला शैम्पू ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये इफेक्टिव है आपकी जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ को भी कंट्रोल करने में। और विंटर सीजन में बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ के इशूज हो ही जाते हैं, ये अपने बालों को ढक कर रखते हैं और अपने बालों को प्रॉपर ज़्यादा वॉश नहीं करते, जिस रीज़न से हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है।
सो गाइज, आपको अपने डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर से ज़रूर कोई इफेक्टिव रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, तभी आप अपने बालों को हेल्दी बना पाएंगे। और स्पेशली विंटर सीजन में डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है लोगों को। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई इफेक्टिव DIY रेमेडी आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। सो गाइज, आपको कीटोमैट शैम्पू ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में। और जब आपके डैंड्रफ कंट्रोल में हो जाएंगे सो आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होना पड़ेगा, आपके यू नो बाल भी हेल्दी हो जाएंगे, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। So, अगर आपका एक रीजन है हेयर फॉल का ड्यू टू डैंड्रफ, तो आपको जरूर ट्राई कर लेना चाहिए दिस शैम्पू। सो फॉर टुडेज वीडियो विच आई होप यू ऑल लाइक इट, सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं वहाँ पर बहुत सारे स्नीक पिक बिहाइंड द शूट, मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ कौन से नहीं, वो सारे के एक क्विक रिव्यू जो है वो वहाँ शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।